Om Gyan Timrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Namilitam Enam Tasmai Shri Gurve Namaha Shantakaram Bhujagasainam Padmanabham Suresam Vishwadharam Gagana Sadrasham Meghavaranam Shubhangam Lakshmi Kantam Kamalanayanam Yogirvirdhyana Gamyam Vande Vishnu Bhavaharam Sarvalokekunatham Yam Brahma Varunendra Rudra Maruta Istunvanti Divyai Istavai Vedai Sangh Padakramopanisadai Gayantiyam Samuga Dhyana Vastit Tadagatein Manasa Pashyantiyam Yogino Yashantam Naviduhu Sura Surgana Devai Tasmai Namaha Devai Tasmai Namaha Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhyutthanam Adharmasya Tadatmanam Srijamyam Paritranaya Sadhunam Vinashaya Cha Duskritam Dharma Sanstapunar Thayo Sambhavami Yuge Yuge Sambhavami Yuge Yuge Om Shanti 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 Jai Gopal आइए प्रिय बहन भाइयों सज्जनों देवियों स्वागत है आपका श्रीमद् भागवत गीता सत्संग में। श्रीमद् भागवत गीता का आठवां अध्याय है, भागवत गीता की मिडिल के छह अध्याय। बहुत पूर्णता से विस्तार से भगवान ने कहे हैं, परम रहस्य कहा है इनके अंदर। पहले अध्याय से लेकर छह अध्याय तक और तेरहवें अध्याय से और अठारह अध्याय तक, ये दोनों तरफ के अध्याय, छह और छह इधर के, छह उधर के और छह बीच के, सात से बारह तक जो मिडिल के जो अध्याय हैं, ये भागवत का हृदय है। दोनों साइडों में अध्याय हैं, ये भागवत की भुजाएं हैं जो सबको आमंत्रित कर रही हैं ज्ञान की ओर, कर्म की ओर, भक्ति की ओर। आइए श्रीमद् भागवत गीता के आठवें अध्याय से हम सत्संग प्रारंभ करते हैं। पिछली कड़ी से इस कड़ी को जोड़ते हुए आठवें अध्याय का श्लोक संख्या 9 है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब देते हुए और जवाब को भी विस्तार से कहते हुए कह रहे हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अनान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। हे पार्थ, उस परम पुरुष की प्राप्ति हो जाती है अभ्यास करने से। अभ्यास करने से तेरा चित्त जो है उनके श्री चरण कमलों में स्थिर हो जाता है,
यानी उनकी स्मृति सदैव के लिए बन जाती है। ऐसा जब हो जाता है तो तुझे परम पुरुष की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। और उस परमेश्वर के जितने भी गुण धर्म हैं वो मैं बतला देता हूं, भगवान कह रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने अपने स्वयं के ही गुण धर्म बतलाए हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियाम सम अनुस्मरित यौ। वो परमेश्वर भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं, उनको मालूम है कल क्या होगा, कल क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है, छुपा नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारता। वो सब क्षेत्रों के, अनंत ब्रह्मांडों के और भौतिक जगत के और अनंत आध्यात्मिक धामों के, वैकुंठ जगत के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों के बारे में वो जानते हैं, उनको जानकारी है। और आगे क्या होगा उनको जानकारी है, और पीछे क्या हुआ इसकी भी जानकारी है। इसलिए उन्होंने उनको कवि कहा है, परमेश्वर को यहां कवि कहा है, उनसे बड़ा कवि कोई नहीं है। कवि यानी विद्वान, वो महाविद्वान है, परम विद्वान है। पुराणम सबसे पुराने पुरुष है, पुराण पुरुषम अद्वैतम अचिंत्य आद्यम। वो अचिंत्य है, अद्वैत है, अच्युतम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमाहम भजामि। वो पुराण पुरुष है, आद्यम है, सबके आदि है। तमाम सृष्टि या तमाम के प्रकट होने से प्रथम वो थे, आदि पुरुष हैं। अद्वैतम, उनके जैसा कोई नहीं है। द्वैत कहते हैं जो एक के सामने दूसरा भी हो, वो अद्वैत है, उनके जैसा रूपवान कोई नहीं है, वो परम रूपवान है। उनके जैसा ज्ञानवान कोई नहीं है, वो परम ज्ञानवान है। उनके जैसा शक्तिमान कोई नहीं है, वो शक्तिवान है। उनके जैसा वैराग्यवान कोई नहीं है, वो वैराग्यवान है। सारे षडैश्वर्य प्रधानता में परमेश्वर के पास रहते हैं, इसलिए उनको परमेश्वर कहा जाता है। उनके जैसा शक्तिमान कोई नहीं है, उनके जैसा कवि कोई नहीं, इसलिए वो परम कवि कहलाए हैं, परम विद्वान भगवान है। सभी बुद्धिमत्ता के स्रोत वही हैं, कविम पुराणम आदि पुरुष हैं, अनुशासितारम सबके ऊपर शासन करने वाले हैं, सब उनके अंडर में हैं। अकेले कृष्ण और सब वृत्त, चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एकमात्र कृष्ण शासन करता है, सभी उनके भृत यानी नौकर हैं, नौकर हैं, नौकरों के नौकर हैं, नौकरों के नौकर हैं, चाकर हैं, दासानुदासानु दास हैं। तमाम इसलिए उनको अनुशासितारम कहा है। अणोर अणियाम, जैसे पिछले एपिसोड में कहा था मैंने कि आत्मा का स्वरूप बहुत कण के समान है,
बिल्कुल सूक्ष्म। केशाग्रे सतभागश्च शतांश सादृशात्मका जीव सूक्ष्म स्वरूप अयम संख्यातीतो ही चित्कण। ये चैतन्य कण, ये आत्मा के कण, ये असंख्य मात्रा में है और इनका स्वरूप क्या है? ये बाल के आगे की नोक के 10,000 टुकड़े कर दिए जाएं, जरा करके देखिए। पहले तो बाल के आगे की नोक को लीजिए, फिर उसके 10,000 टुकड़े कीजिए इतना, और उनमें से 10,000 में से एक टुकड़ा इतना सा हमारी आत्मा का स्वरूप है। वही आत्मा मच्छर के अंदर है, वही मेंढक के अंदर है, वही पेड़ के अंदर है, उतना ही स्वरूप, इतना सूक्ष्म स्वरूप है इस आत्मा का। इतना सूक्ष्म स्वरूप भी इतना तेजस्वी है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, अचिंत्य है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि ये आत्मदेव सूर्य के समान तेजस्वी है। बोलिए, कहां सूर्य और कहां एक छोटा सा कण। बड़ा शक्तिमान है, क्यों? कि भगवान का अंश है, भगवान के किरणों में असंख्य आत्माएं, उनमें एक आत्मा है, स्वयं भगवान से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। भगवान का हमारा सदैव रिश्ता है, लेकिन हम भूल जाते हैं रिश्ते को, तब तकलीफ में आते हैं, अंधेरे में भटकते हैं, मार्ग नहीं सूझता है, कुमार्ग पर चल देते हैं और समेटते जाते हैं जीवन भर कांच के टुकड़ों को। हाथ घायल हो जाते हैं, खून निकलता है, लेकिन हम समेटे ही चले जाते हैं कांच के टुकड़ों को। असली हीरे छोड़ देते हैं, असली हीरे गोविंद का नाम है, वो प्रभु का प्रेम है, हम उनके अंश हैं। अणोराणियाम, अणु के अंदर भी प्रवेश करने वाले हे परमेश्वर, ये अणु के समान सूक्ष्म आत्मा है, इसके भी हृदय में यानी सेंटर में परमात्मा विराजमान होते हैं। क्षीरोदक्षायी विष्णु, चतुर्भुजी विष्णु भगवान परमात्मा स्वरूप से सर्वत्र सबके हृदय में स्थापित होते हैं। ये भगवान परमेश्वर के ही अंश है, परमात्मा स्वरूप से विष्णु भगवान अनंत ब्रह्मांडों में अनंत विष्णु है, अनंत शिव है, अनंत ब्रह्मा है। लेकिन क्षीरोदक्षायी विष्णु, चतुर्भुज, जिनके आप विशेष करके लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, इनके विस्तार सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान होते हैं। आत्मा के साथ परमात्मा, आत्मा के अंदर परमात्मा, आत्मा के हृदय में परमात्मा। ये चमड़ी मांस के हृदय की बात नहीं है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, आत्मा के हृदय में, शरीर के हृदय में नहीं। शरीर के हृदय में होंगे तो डॉक्टर चीरफाड़ करेंगे, नहीं, आत्मा के सेंटर में, हृदय यानी सेंटर, हृदय से हृदय मानी सेंटर, मध्य केंद्र। तो अणोर अणियाम, अणु से भी, अणु में भी प्रवेश करने वाले वो परमात्मा का स्वरूप है, परमेश्वर का स्वरूप है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियाम सम अनुस्मरे दियो। हे अर्जुन, उनका स्मरण कर, उन परमेश्वर का स्मरण कर, उनको याद कर। सर्वस्य धातारम, तमाम ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं, सभी को, वैकुंठ जगतों को,
सबको उन्होंने धारण किया हुआ है। उनके परम धाम से निकलने वाला प्रकाश, जिसमें वैकुंठ जगत है और भौतिक जगत भी है। भौतिक जगत 1/4 है, 3/4 वैकुंठ जगत है, भागवत में इसका वर्णन है। 1 रुपए में से 12 ने वैकुंठ जगत है, इटर्निटी। इस इटर्निटी में परम धाम है भगवान का, और इस परम धाम से निकलने वाले प्रकाश स्वरूपा ब्रह्म ज्योति में रुपए में से 4 आने अंश में, ये अनंत ब्रह्मांड है भौतिक, जो नष्ट होते हैं, प्रकट होते हैं, नष्ट ठहरते हैं और नष्ट हो जाते हैं। सर्वस्व धातारम, इसलिए उन्होंने अपने द्वितीय स्वरूप ब्रह्म ज्योति निराकार स्वरूप से सबको धारण किया हुआ है। जैसे आकाश सबको धारण करता है, ऐसे उस परम आकाश में, परम ब्रह्म ज्योति में सभी वैकुंठ जगत भी और भौतिक जगत भी स्थिर है। इसलिए उनको कहा है कि वो परमेश्वर सर्वस्व धातारम सबको धारण किए हुए हैं। अचिंत्य वर्णम, अचिंत्य रूपम, उनका स्वरूप, यहां रूप का वर्णन हुआ है। रूपवान के बिना ये रूप नहीं फैल सकता जो आप देख रहे हैं समस्त धरती पर। सुंदर बच्चे हैं, सुंदर हिरण हैं, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, तितलियां हैं, भंवरे हैं, नदियां हैं, झरने हैं, झीलें हैं, सागर हैं, चांद है, सूर्य है, तारे हैं, कितनी सुंदर नीला आकाश है, कितनी सुंदरता फैलाई है भगवान ने। ये सबको तो आप देख सकते हैं, इस रूप को आप देख सकते हैं, लेकिन उस परम रूप भगवान को जो परमेश्वर है, वो बड़े रूपवान है लेकिन अचिंत्य रूप है उनका। आपके मन और बुद्धि से उनका चिंतन नहीं कर सकते, ऐसा उनका रूप है। कोई फोटो बनाने वाला, पिक्चर बनाने वाला, ड्राइंग करने वाला उनको उनका रूप का वर्णन नहीं कर सकता, नहीं ड्रा कर सकता। वो अचिंत्य है, उनका रूप भी अचिंत्य है। कोई भी कभी उनके रूप की उपमा देने में असमर्थ रहा है। कैसे दोगे उस परम में, परम रूपवान का रूप, उसका वर्णन करना, ये सांसारिक भौतिक बुद्धि से और मन से परे है। उसके लिए बहुत प्योरिटी चाहिए। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदय सु विलोकयंती, वो ध्यान लगा करके अपने हृदय में भी उस परमात्मा को देख लेते हैं, और जब आंखें खोलते हैं तो भी उनको सर्वत्र परमात्मा की झलक दिखती है। इसलिए महापुरुष, महात्मा, महान भक्त पेड़ों को आलिंगन कर देते, सुअर को प्रणाम कर देते, किसी गरीब से गरीब को गले लगा लेते हैं, कौड़ी को गले लगा लेते हैं। उनको भेद दृष्टि खत्म हो चुकी होती है उनकी, उनको सब जगह भगवान के दर्शन होने लगते हैं, इतना प्रेम भर जाता है उनके हृदय में श्याम सुंदर का। तो फिर संत अपने हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय सु विलोकयंती, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। उनके गुण और स्वरूप ये अचिंत्य हैं, चिंतन से परे हैं, भौतिक मन और बुद्धि
की पकड़ में आने वाले नहीं है। उनके लिए तो भक्ति भरे नेत्रों में प्रेम का सुरमा डालना चाहिए, प्रेम का काजल डालना चाहिए, तब कहीं उनके छलक के दर्शन होते हैं। इस प्रेम खजाने को पाने के लिए भक्त लोग अभ्यास करते हैं, संत लोग, ध्यानी लोग, योगी लोग ध्यान करते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, उनकी सेवा में समाधिस्थ हो जाते हैं, उनको शरणागत हो जाते हैं। सहपरिवार सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम सह परस्ता। ओ परमेश्वर का वर्ण आदित्य सूर्य के समान प्रकाशमान है, क्यों नहीं होगा? जिनसे अनंत सूर्य करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश निकल रहा है जिनके धाम से, तो फिर उनके भी तो विग्रह में प्रकाश ही होगा। तो सूर्य जैसे प्रकट हो जाता है ऐसे भगवान का प्रकाश है। लेकिन उनको जब दर्शन देने होते हैं अपने भक्त को, तो उस प्रकाश को लीन कर लेते हैं अपने विग्रह में, शरीर में, और बड़ी सुंदरता से देवकी नंदन बन के या यशोदा नंदन बन के या अयोध्यापति बन के किसी भी रूप में दर्शन देते हैं, जिससे उनका भक्त उनको बड़े प्रेम से अंग अंग को निहार सके, देख सके। जिन अंग प्रत्यंगों को देखने के लिए, जिस श्यामल सुंदर सांवरे को देखने के लिए उन्होंने जन्मों जन्मों आंसू बहाए, अपना जीवन उनके श्री चरण कमलों में अर्पण किया, वो निहार लेना चाहते हैं अपनी प्रीतम को पूर्ण प्रेम भरे नेत्रों से, हृदय से। भगवान ने अपने ही गुण धर्मों को बतलाया अर्जुन को, ये कहते हुए कि उस परम परमेश्वर की शरण में जा अर्जुन, तो अभ्यास कर। और ये भी बतलाया कि वो परमेश्वर कैसे हैं, क्या क्वालिटीज हैं उनके अंदर। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अण्याम सम अनुस्मरे दुयः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात। तो अंधेरा कैसे उनके नजदीक आ सकता है, अंधेरे से परे हैं वो, वैकुंठ जगत में अंधेरा नहीं, फिर उनके परम धाम में अंधेरा कैसे होगा? जो वैकुंठ जगत का परम धाम है वो परमेश्वर का है, उस परम धाम से जो प्रकाश निकल रहा है उससे तो एक करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश ब्रह्म ज्योति है। फिर वह सूर्य चांद तारे इन और दीपक या अग्नि इनकी आवश्यकता नहीं है, वो स्वप्रकाशित धाम है। तम से परस्तात, वो अंधेरे से परे प्रकाशवान है। हमारे यहां अंधेरा होता है, अंधेरे से बच्चा जन्मता है, अंधेरे से बीज अंकुरित होता है, अंधेरे से उजाला होता है। हम क्यों दीपक जलाते हैं? अंधेरे को हटाने के लिए। अंधेरा नहीं हो तो दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है? हम दीपक जलाते हैं और कुछ एरिए में प्रकाश हो जाता है, अंधेरे को हटा देता है। कहते हैं दीपक जलाओ, ये भी कह सकते हैं अंधेरा हटाओ। सूर्य भगवान है, सूर्य भी जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना अंधकार दूर करते हैं, बाकी उनकी कैपेसिटी के बाहर तो अंधकार बना ही रहता है।
यानी उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है या वो दूसरे एंगल पर चले जाते हैं, तो रात आ जाती है, फिर अंधकार आ जाता है। अंधकार से ये अनंत ब्रह्मांड निकले हैं, तमोगुण से प्रकट हुए हैं सभी। तमोगुण अंधकार है, तम सह परस्तात, लेकिन वहां तमोगुण का प्रवेश नहीं, रजोगुण का भी प्रवेश नहीं, सतोगुण का भी प्रवेश नहीं। तीनों गुण जो भौतिक गुण है इनका प्रवेश नहीं है, जो भौतिक प्रकृति के गुण है। वहां शुद्ध सतोगुण, शुद्ध सत्व है, वहां तीनों गुण नहीं है जो भौतिक गुण है, भौतिक प्रकृति के गुण है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। रजो सतोगुण में देवता वास करते हैं, रजोगुण में राजा महाराजा, पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन, तमोगुण में नीचे की और नीचे जो है अंधकार में जो भोग विलासों में लगे हैं वो वास करते हैं, राक्षस असुर सुर असुर दैत्य दानव, ये सब तमोगुण के प्रकार, तमोगुण के स्वरूप हैं, तमोगुण का रूप है अंधकार, अंधकार में भटकना, अंधकार में रहना। भगवान तम अंधेरे से परे हैं, उनका धाम परे है, वैकुंठ जगत अंधेरे से परे है। ब्रह्म ज्योति में भी अंधेरा नहीं है, ब्रह्म ज्योति के किसी कोने में ये अनंत ब्रह्मांड बादलों की तरह खड़े तो हैं, ये ब्रह्म ज्योति को मलिन नहीं कर सकते। जैसे बादल सूर्य को या सूर्य के प्रकाश को मलिन नहीं कर सकते, लेकिन लगता है हमको कि बादल हो गए, अंधेरा हो गया, नहीं, बादलों से ऊपर जाओ वही प्रकाश है, वही सूर्य है। कितने ही बादल सूर्य को ढक दें, थोड़ा सा ऊपर उठो एक माइल एरोप्लेन से तो बादल नीचे रहा, आप ऊपर, प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है जो ब्रह्म ज्योति में लटक रहे हैं एक कोने में, 1/4 रुपए में से 25%, कहने का मतलब आइए आगे के श्लोक में। प्रयाण काले मनसा चले न, भगवान हर तरह से ये जीव को समझा रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, आत्मा को, हम सब को समझा रहे हैं। अभी बतला रहे हैं कि ये विषय समझ में आना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का। ध्यान मार्ग से भी उनकी प्राप्ति है, भक्ति मार्ग से भी उनकी प्राप्ति है, लेकिन ध्यान मार्ग भी भक्तिमय होना चाहिए तब उनकी प्राप्ति है। वरना ध्यान करते रहो निराकार ब्रह्म ज्योति पर तो ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमेश्वर नहीं, परम रूप नहीं। प्रयाण कालेन मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ब्रोर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक् स तं परम पुरुषम उपैति दिव्यम्। हे अर्जुन, शरीर को त्यागने के समय ये मन को एकाग्र करना चाहिए। कहां एकाग्र करना चाहिए? उस भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप में, उनका वर्णन हुआ है, गले में वैजंती माला है, फूलों की माला है, तुलसी के दल चरणों में चढ़े हुए सुंदर फूल चढ़े हुए हैं, हाथों में मुरली है, माथे पर मोर मुकुट है, सांवला रंग है, स्वरूप है उनका, पीतांबर धारण किए हुए हैं, पांव में पजेब हैं, हाथों में कंगन है, कमर में कमर फेंट कसी हुई है, मुंह पर होठों पर मधुर मुस्कान है, उनके नेत्र
வேணும் குணந்தாம் அரவிந்தலாயிதாக்ஷம். கமல் கே ஃபூல் ஜெசே உன்கே நேத்ரே, கித்னா சுந்தர், கித்னா நாஜுக், கித்னா ஷீதல் லாவண்யதா லியே ஹுயே கமல் கா ஃபூல் ஹோதா ஹை. ஐசே சுந்தர் நேத்ர பகவான் கே ஹை. வேணும் குணந்தாம், வேணு வாதன் கர் ரஹே ஹை. அரவிந்தலாயிதாக்ஷம்